इसलिए का दर्शक आज हम लोग फिर से आए हैं और एक एपिसोड लेके, जिसमें हम लोग आज हम लोग का स्टूडियो में मौजूद है हम लोग का दिमा हसाओ असम गण परिषद का प्रेसिडेंट श्री बकुल बोडो जी। तो बकुल बोडो जी, आपसे हम जानना चाहूँगा जो आज दिमा हसाओ में जो राजनीतिक स्थितियाँ है, जो राजनीतिक सिचुएशन है, उसका बारे में हम लोग को हिल्स लाइव का दर्शकों को थोड़ा बताइए। हम लोग का एनसीएचए ऑटोनॉमस काउंसिल जो चला रहा है अभी, हम लोग का टोटली हम लोग का फेलर है। अभी सैलरी अभी 13 मंथ्स में डूब गया। अभी मोदी सरकार ने बोला, मोदी जी ने बोला हम लोग का सरकार आएगा तो हम लोग का अच्छा दिन आएगा। तो हम लोग का अभी ऐसा है, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, असम में भी देखो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, और यहाँ में भी हम लोग का एनसीएस में भी ऑटोनॉमस काउंसिल जो चला रहा है वो भी अभी बीजेपी सरकार है। तो अभी सरकार अभी एक है। अभी यहाँ में हम लोग का सैलरी का प्रॉब्लम ऐसा क्यों हुआ, अभी उसको बातचीत करने क्यों नहीं सकता, तो टोटली फेलर है। तो उसमें हम लोग का हम लोग का यह में मांग है, अभी मोदी सरकार जो अच्छा दिन आने वाला, हम लोग का यह में क्या अच्छा दिन क्या लाया। हम लोग का अभी हिल्स एरिया में हम लोग का यह में जो हम लोग का हालत बहुत ख़राब हो गया। हम लोग का गांव गांव में हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो गया। अभी ये जो प्रॉब्लम्स है ये अभी सबका मुंह में चल रहा है, जो दिमा हसाओ में सैलरी प्रॉब्लम लेके काफ़ी नाराज है। तो इसमें आप किसको दोषी ठहराएगा, इसका ये हालत होने का कारण क्या है आपका सोच में? कारण तो आगे भी हम लोग का हम भी काउंसिल में बैठा था जी। हम लोग का टीम भी ऐसा हुआ था, फिर भी इतना तो हम लोग का ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें हम लोग का यहाँ में देखिए, आप लोग अब सब मालूम है हम लोग का टाइम में भी हम लोग का सैलरी का प्रॉब्लम लेके हम लोग का काउंसिल का स्टाफ अभी उस टाइम में हम लोग का कुछ हम लोग का बातचीत करके हम लोग का कुछ हम लोग किया हुआ। लेकिन अभी जो सरकार जो है, अभी जो हम लोग का यह में जो एम्प्लॉय एसोसिएशन जो धरना करने में लाठीचार्ज कराया, लाठीचार्ज कर हम लोग का पुलिस को लाठीचार्ज दिलाया, ऐसा हम लोग का लड़की कोई हम लोग का जोखम भी हुआ ऐसा है। तो इसलिए हम लोग का यह में अभी बीजेपी सरकार ने ये आप सब भी मालूम है यह में जंगली पार्टी माफी ऐसा भी हो गया। अभी जंगलराज माफी अभी ऐसा है, इसलिए अभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में गैप अभी हम लोग देखने मिलता और उसको पास करने नहीं सकता होगा। उसमें टीम जो भी है टीम लीडर का अभी उनका साथ में अच्छा वाला नहीं है जी। तो ये रहा हम लोग का बकुल जी का भाषण। तो इसमें हम लोग और भी बातें जारी रखेगा, तो इसमें हम लोग थोड़ा जिससे जानकारी लेने मांगेगा, जो आज का दिन में आप एजीपी का है असम गण परिषद का, आज का दिन में कैसा रहा, कैसा होल्ड है दिमा हसाओ में? अभी जितना भी हम लोग का पोलिटिकल अभी एजीपी क्या है उसमें हम लोग का गांव गांव में हम लोग का प्रोग्राम बनाती है, हम लोग आंचलिक बनाती है, जैसा हम लोग का हाफलॉन्ग आंचलिक, जैसा अभी हम लोग का माइबम ब्लॉक के समय हम लोग का माइबंग ब्लॉक के समय हम लोग का माइबंग में हम लोग का आंचलिक दोस्त हुए है। हर जगह में हम लोग जितना कमिटी बनाया, जितना भी हम लोग पार्टी का प्रोग्राम रहा, उन लोग का दुख है जल्दी से जल्दी हम लोग का ये सरकार को उसको क्या करके जल्दी इलेक्शन होने दो, ऐसा डिमांड है। इसलिए हम लोग काम करती है, समय के मुताबिक हम लोग का काउंसिल इलेक्शन होना है, हम लोग का डिमांड है, इसलिए हम काम करती है, हम कंटिन्यू करती है। अच्छा, तो ये और एक गम बात जानना चाहूँगा कि हिल्स लाइव का दर्शकों के लिए, जो स्टेट बीजेपी है सेंटर में, लेकिन स्टेट में तो आपका भी आप और एजीपी और बीजेपी मिलके सरकार चला रहा है, तो इसमें यहाँ से आप लोग कुछ नहीं बोल सकते क्या, कुछ स्टेप्स नहीं ले सकते क्या? नहीं, हम लोग ले सकता है जी।
हम लोग अभी देखो स्टेट में अलायंस होने से भी हम लोग यहाँ में भी हम लोग घटना सकता है, लेकिन अभी उन लोग का साथ में अभी जो यहाँ में अभी यहाँ में जो टीम का लीडर अभी जो काउंसिल में जो टीम लीडर जो है उन लोग का साथ में हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोग काम करने मांगता नॉर्मल आदमी का जैसे हम सुनना मांगता है, इसलिए हम लोग उनके साथ में मिल नहीं सकता जी। इसलिए हम लोग स्टेट लेवल में हम लोग बच हुआ कभी भी हम लोग का डिमा हसाओ में जी। अभी जो बीजेपी जो चुनावी है सरकार है लोग काउंसिल में जो चौबीस काउंसिल चला रहे हैं उनके साथ में हम लोग मिलने नहीं चाहेगा, हम लोग बातचीत हो चुका है इसलिए हम लोग मिल नहीं चाहेगा जी। ये रहा बकुल जी का भाषण, और बकुल जी ये बता रहा था पॉलिटिकल सिचुएशन सब को लेके, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में हम लोग का जो बातचीत है वो फिर से जारी रखेंगे। ब्रेक हिस्सलब का दर्शक, हम लोग फिर से वो छोटा सा ब्रेक के बाद बकुल जी से बातचीत जारी रखते हुए फिर हम लोग जानना चाहूँगा कि आज का दिन में डिमा हसाओ में जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स का जो अनएम्प्लॉयड हो गया काफ़ी नंबर बढ़ गया, इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये हम लोग का हमें अनएम्प्लॉय के बारे में तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी मोदी जी बोला अभी यूथ का युवा का अगर हम लोग का बीजेपी सरकार आएगा 200 करोड़ उसका नौकरी दिलाएगा बोला, आज हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पहुँचेगा? अभी स्टेट का बात छोड़ो, अभी साल का बात छोड़ो, ये होने वाला बात नहीं, बोलने से नहीं होगा। तो आप क्या सोचता है कैसे करने से हम लोग का जो लड़का लोग है बा हम लोग का जो वुमेन फोक्स है उन लोग का रोजगारी का क्या रास्ता क्या निकाल सकता है यहाँ पे, बा कैसे करेंगे उसको आप लोग यदि पावर में आएंगे तो? हम लोग का यूट्यूब का हम लोग का स्थित हम लोग का बहुत हम लोग का यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में सोर्स है, अभी भी हम लोग का बहुत हम लोग का काम करने के लिए हमें सुविधा है जी। उसका सुविधा हम लोग का यूथ का यूबल उनका हम लोग का उसमें हम लोग का कॉपी हम लोग का साथ में क्या है वो सर्वे करके हम लोग रखा है, तो हम लोग सरकार अगर आएगा हम लोग का एजीप सरकार आएगा उसको हम लोग काम करने के लिए हम लोग लागू करेगा। अच्छा, तो ये रहा आप एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का आप लोग कोशिश करेंगे आप लोग पावर में आने से। पावर में आने तो ये जो है आज का दिन में और एक प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है सबको पता है जो ही हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का मेजर पोर्शन बीजी और रेलवे बनाने में बीजी कन्वर्सन और महासड़क बनाने में डैमेज हुआ है, तो इसके अलावा हम लोग का ये दो प्रोजेक्ट से हम लोग डिमा सबवासी क्या मिला है? हम लोग को बहुत नुकसान होगा जी। हम लोग का महासड़क आने के बाद हम लोग का यहाँ में अभी बिजली लाइन आने के बाद हम लोग को बहुत नुकसान होगा जी। अभी हम लोग का रोड कम्युनिकेशन भी हम लोग का बहुत अभी यहाँ में जो है जैसा सुस्ता हम लोग काउंसिल का कमीशन नहीं मिला जी। हम लोग रेल में भी ऐसा कमीशन नहीं मिला जी। और हम लोग का जितना जमीन गया हम लोग का हिल्स में हम लोग जमीन बहुत हम लोग का कोटी हुआ कोटी पुराना हम लोग इतना जितना सोचा ऐसा नहीं मिला, और फिर भी यहाँ में हम लोग को जो हम लोग पुराना जो रेल लाइन जो है वो डाइवर्ट होने के बाद में हम लोग को बहुत हम लोग को कोटी हुआ जी, बहुत अभी माहौर से लेकर हाफलोंग तक हम लोग को बहुत अभी प्रॉब्लम है। अच्छा। और हम लोग उसमें हम लोग सोचता है उसको फिर कंटिन्यू करने के लिए हम लोग डिमांड किया था होगा नहीं होगा ऐसा है, इसलिए हम सरकार अगर आएगा उसको हम कंटिन्यू करने के लिए हम कोशिश करेगा क्योंकि बहुत जरूरी है हम लोग हिल्स एरिया में हम लोग का ये हम लोग का आज का नहीं ब्रिटिश जमाना का हम लोग ये रेल जो किया है तो उसको हम लोग उसको जैसा भी हम लोग को वो सुविधा हम लोग क्योंकि टूरिस्ट के लिए भी हम लोग की लोकल जो पीपल उनके बहुत जरूरी है जी। तो महासड़क भी ऐसी है महासड़क अभी जो अभी हम लोग का मायबंग से लेके अभी हारंग जो अभी तो काम शुरू हो ही नहीं, अभी जितना हम लोग का ये में अभी काम जो करता है हम लोग पहाड़ काट काट करके अभी हम लोग बहुत हम लोग का रास्ता कब होगा अभी ऐसा नहीं, तो इसलिए अभी मोदी जी बोलता है हम लोग का सबका साथ सबका विकास, हम लोग का यहाँ में क्या विकास हुआ? आज देखो 2 साल होने लग गया तो 2 साल से ज़्यादा हो गया महासड़क अभी भी खत्म नहीं हुआ, और यहाँ में हम लोग का माहौर से लेके हारा
अभी चिंता तो अभी भी पेंडिंग है, काम शुरू ही नहीं करा ही नहीं है अभी पूरा। अभी ये हम लोग का बोर्ड इसका हम लोग का उसको प्रॉब्लम है, अगर बारिश आएगा हम लोग और कुछ होगा, हम लोग रेल भी रेल का भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, अभी रोड का भी भरोसा नहीं है, ऐसा है, बहुत तकलीफ में है। अभी देखो नरेंद्र जी बोलते हैं जापान से बुलेट ट्रेन लिखा है, और उसमें हम लोग को ये नॉर्दर्न में हम लोग का ब्रिटिश टाइम में जो हम लोग को ट्रेन चलाया उसको रिफायरिंग करो ना, ये महासर जो है उसको कंटिन्यू करो ना। अच्छा, अभी ये भी तो नहीं है ना, बुलेट ट्रेन बोल के क्या फायदा होगा जी। अभी नॉर्दर्न में इतना नेग्लिजेंसी है, नॉर्दर्न का अभी इतना रास्ता खराब है, अभी नॉर्दर्न अभी स्मार्ट सिटी बोलते हैं, अभी स्मार्ट सिटी क्या करेगा जी? अभी यूपी में बिहार में स्मार्ट सिटी क्या करेगा जी? क्या अभी मोदी जी अभी क्या अपनों का क्या क्या सोचता है? इसलिए देखो हम लोग नॉर्दर्न में हम लोग यहाँ में क्यों खराब हुआ, नॉर्दर्न को आदमी नहीं सोचता होगा, हम लोग ट्राइबल का लोन का अभी इतना नेग्लिजेंसी है, इसलिए हम लोग नॉर्दर्न में जब से अभी ट्राइबल लोन का दुख तकलीफ, अभी रास्ता भी नहीं होने दो, अभी रेल भी नहीं होने दो, ऐसा भी सोच के जो मुख से बोलता होगा लेकिन दिल से काम करने नहीं मांगता होगा। अच्छा, ये हम लोग और एक चीज़ देखा गया जो डिमा हसाओ में अभी तो जो भी काम हो रहा है बा जो भी कुछ हो रहा है, जैसे एम्प्लॉयमेंट भी बोलिए, अभी एलिगेशन आ रहा है जो ये नेपोटिज्म फेवरेटिज्म में जा रहा है, तो आप लोग का क्या सोच है? अभी अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुआ वेरियस डिपार्टमेंट्स में, उसमें जो काउंसिल का जो अभी जो अपॉइंटमेंट जो होने वाला जी, हम लोग सुनने के मुताबिक, हम लोग देखने के मुताबिक जी, अभी जो अपॉइंटमेंट जो मिला अभी नौकरी मिलने वाला, अभी उसमें बहुत क्या है, जैसा हम लोग को जो हमें जो अनएम्प्लॉयड अभी जो हमें हम लोग को लिखा पढ़ा है, अभी जो ग्रेजुएट है जैसा इंटरव्यू दिया ऐसा भी नहीं मिला। अच्छा, जो मिला उसमें ऐसा है अभी उल्लू का अपना आदमी ऐसा कभी सुनता है सोचना जो मालूम नहीं, अभी देखो अभी अभी उसको कैडर्स का अपना फैमिली कोई किसी का चेयरमैन का अपना लड़का ऐसा सुनता है, उसमें तो हम लोग कैसा अनएम्प्लॉयड का जितना अभी जो हम लोग लिखा पढ़ा जो है वो कैसे मिलेगा जी? तो ये सब समस्या को लेके आप लोग का एजीपी का यदि कल पावर में आएगा तो आप लोग क्या क्या सोच के रखा है? हाँ, हम लोग सोचने वाला अभी हम लोग का यहाँ में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में सब जाति है, हर धर्म है, उसमें हम लोग का पॉपुलेशन कमिटी होने से भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो चला के आया अभी हम लोग भी थोड़ा दिन तो बैठा, उसमें हम लोग को यहाँ में देखने मिला, यहाँ के पब्लिक को देखने मिला अच्छा सा लड़का लगुन, हम लोग उसको देखना है, हम लोग उसको प्रेफरेंस देना है, कम्युनिटीज में जाना है, कम्युनिटीज में लेके आना है। अच्छा, तो हम लोग को देश तो अच्छा होगा, शांति होगा। अच्छा, ये जो कमिंग इलेक्शन जो है अभी 2018 में ही होने वाला है, तो इसमें आप लोग जो स्ट्रेटेजी बनाया कैसे परिकल्पना बनाया जो कैसे कैसे आप लोग जाएंगे? हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें आप लोग अकेला ही लड़ेंगे या अलायंस करेंगे, या प्री पोल अलायंस होगा या पोस्ट पोल अलायंस होगा, उसका बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी दीजिएगा। इसमें हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का बात है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का अभी हम लोग का एजीपी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का बात है, अभी हम लोग का बीजेपी से अलायंस होगा ही नहीं अभी, लेकिन उसमें हम लोग का यहाँ में एक तो हम लोग का कितना साल से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का जो मांग है उन लोग के सर में हम लोग कुछ कितना तो हम लोग का बोटर है, हम लोग सर में बातचीत चलती है, तो उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से हम लोग बातचीत रखा है, उसको मुताबिक हम लोग काम करने के लिए कोशिश करता, तो उसको हम लोग फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अभी जो बीजेपी के साथ में हम लोग एलियंस कॉपी होने लगता नहीं है। अच्छा, और अच्छा रिसेंटली और एक मुद्दा आया हम लोग का ये में नज़र में, जैसे कि कार्बी आंगलोंग से कंचास डी को हम बोलिए, अब बीजेपी जो रूलिंग है उन लोग भी एक स्ट्रेस में आया, 200 हम लोग का जो 244 आर्टिकल जो है ऑटोनोमस स्टेट का, उसका लिए उन लोग पहल कर रहा है, तो इसमें आप लोग का क्या रोल रहेगा? कार्बी आंगलोंग हम लोग के एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में ऑटोनोमस के बारे में तो खूब से हम लोग ये मांग के आता है जी, आज से नहीं है, बहुत साल बहुत आगे से है, फिर भी हम लोग का होने से अच्छा बात तो है जी। अभी हम लोग यहाँ में भी वो मांग तो हम लोग का सन्मित तो है, हम लोग दिल में है, लेकिन अभी
वो हम लोग समय तो बातचीत तो नहीं हुआ जी, बातचीत अभी ना हम लोग के पास में लाइन में तो नहीं है, लेकिन हम लोग भी डिमांड तो हम लोग भी स्टेट के स्टेट के बारे में तो हम लोग का जो है, हम लोग का मांग जो है इस संविधान के बारे में हम लोग तो जरूरी है। इसका मतलब हो गया जो आपको ऑटोनोमस स्टेट का ऊपर में आप लोग का भी सपोर्ट है, जो आगे पीछे जो भी जरूरी होगा तब भी आप लोग सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। तो ये रहा हम लोग का बकुल बोड़ो जी, तो एक छोटा सा फिर से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में आप लोग को और भी हम लोग बहुत कुछ जनाएंगे। हिस लाइव का प्रिय दर्शक, हम लोग जो एजीपी का प्रेसिडेंट के साथ में जो बातचीत चला रहा था उसका छोटा सा ब्रेक के बाद में फिर से आया आप लोग के पास। आज अभी जानेंगे आप बकुल बोड़ो जी, अब हम लोग को बताएंगे जो डिमा हसाओ में आज का दिन में एजीपी का होल्ड कैसा है, और ऐसा इतना कमती समय में एजीपी इतना कुछ कर पाया कि उसका क्या कारण हो सकता है, और आने वाला इलेक्शन में आप लोग का कैसा रहेगा। हम लोग का ये में नेक्स्ट हम लोग को ऑटोनोमस काउंसिल के लिए हम लोग इतना हम लोग ऐसा एजीपी पब्लिक लोगों ने ऐसा डिमांड है, हम सोचने ही नहीं मिला। अभी जब हम लोग पब्लिक अभी गांव-गांव में पब्लिक इतना हम लोग को पूर्व में इतना खुशी है, हम लोग का नेक्स्ट में हम लोग का एजीपी का इतना हम लोग रेस्पॉन्स मिला, काउंसिल जैसा भी हम लोग आएगा बोल के हम भरोसा करता। अभी जो सरकार जो है हमें जो बीजेपी सरकार है वो टोटली फेलर है, इसलिए उन लोग को खराब लगा बोल के हम लोग का एजीपी का अभी बहुत अच्छा है। अभी हम जितना बस्ती बस्ती में गांव गांव में बस्ती में जितना हम लोग कंटिन्यू मीटिंग करने में इतना डिमांड है, हम लोग के एजीपी का इतना डिमांड है, हमको डिमांड नहीं है, बहुल बोटो का डिमांड नहीं है, पब्लिक का डिमांड है, एजीपी का डिमांड है। हम लोग का ऐसा बोल रहा हम लोग मालूम ही नहीं है आगे में एजीपी जो हम लोग का अतरों महीने के लिए चला रहा, हम सरकार हुआ रहा उसी में हम लोग का बहुत हम लोग का अच्छा हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ में मेजर हम लोग का डियांगी ब्रिज आगे में उसमें फेरी से चलता रहा, नाव से पार करता रहा, वो हम लोग का डियांगी ब्रिज बनाया एजीपी सरकार होने में। हम लोग का मायबांग ब्रिज, मेगा नारायण ब्रिज, मायबांग सब डिविजन, अभी आपको जिनाम का ब्रिज और उस छोर के भी मायबांग सब डिविजन, और हम लोग का यहाँ में हम लोग का ड्यूमरा ब्लॉक, हरंगजो ब्लॉक, समर ब्लॉक, उसके बारे में हम लोग का बसी बसी सब हर जगह में हम लोग का एजीपी सरकार होने में हम लोग का यहाँ में वो सब लेके आया, हम लोग का डेवलपमेंट हम लोग का 30 डिपार्टमेंट दिलाया, ऐसा बोल के बहुत डिमांड है, इसलिए हम लोग को एजीपी का हम लोग को बहुत यहाँ में अच्छा काम होता, अच्छा ऑर्गेनाइज होता, अच्छा हम लोग का नेक्स्ट में हम लोग का अच्छा होगा बोल के हम भरोसा करता। तो अभी अभी हम लोग अंतिम पर्चा में आ गया, तो हम लोग ज़्यादा और बात नहीं करेंगे, तो हम लोग खाली इतना ही जानना कोशिश करेंगे जो आप लोग जो काउंसिल में आएगा तो आप लोग क्या क्या सोचेंगे, और पहले आप लोग का प्रायोरिटी क्या रहेगा डेवलपमेंट सेक्टर में। डेवलपमेंट हम लोग का जो भी हम लोग का डेवलपमेंट हम लोग का पार्लियामेंट टीम से सबका भी राय होगा, हम लोग पब्लिक का ग्रास लेवल में जो हम लोग का डिमांड होगा उसके मतलब हम लोग जाएगा, क्योंकि हम लोग पब्लिक का वोट हम लोग जीत के आएगा, पब्लिक से हम लोग वोट दे के आएगा, तो हम लोग हर जगह में अभी हम लोग देखने मिलता। जैसा हम लोग हाफलोंग में अभी देखो इतना नेग्लेजेंस कराओ, आप लोग भी मालूम है अभी रास्ता टूटा फटा, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी ऐसा तो इसको मतलब हर जगह में भी हम लोग ऐसा देखने मिला, इसीलिए हम लोग पब्लिक जो डिमांड है अभी हम लोग जितना भी हम लोग जो हम लोग लीडर लोगों होगा उसको पब्लिक लेवल में हम लोग आंचलिक लेवल में बातचीत करके हम लोग डेवलपमेंट हम लोग शेयर करके हम काम करेंगे। तो ये रहा हम लोग का असम गण परिषद का डिमा हसाओ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बकुल बोड़ो जी, उन्होंने इस लाइव को माध्यम से आप लोग को पास ये सब बात आप बताया क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, और उनका जो एजीपी है उनका क्या स्थिति है। और एक लास्ट में एक छोटा सा चीज़ रह जाता हम लोग को हमेशा ही वो होता है कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे।
पब्लिक का मैसेज देने में मांगता शांति से नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग का इलेक्शन तो हम लोग वोट दिलाने के लिए हम वोट ये हम लोग का दावी है और समय का मुताबिक हम लोग का इलेक्शन होने के लिए हम लोग का तरफ से किया है और हम लोग समय का मुताबिक होने से हम लोग का फ्यूचर भविष्य अच्छा होगा। अगर समय के मुताबिक इलेक्शन नहीं होगा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हम लोग और भी खराब हो जाएगा जी। ये रहा हम लोग का बकुल बोडो जी। तो बकुल बोडो जी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का हिल्स लाइव का स्टूडियो में आया और हम लोग के साथ बहुत बात शेयर किया। आगे आगे भी हम लोग ऐसा बातचीत करते रहेंगे और अपना जो सुझाव है और जो बुझाव है हम लोग को जनाएंगे। तो थैंक यू हिल्स लाइव का दर्शक।